The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम ऑथेंटिक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं सिंप्लीफाइड भाषा में. आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को ऐसा क्यों होता है कि खाना खाने के बाद इमीडिएटली वॉशरूम जाना पड़ता है. कुछ लोगों को ऐसा हर बार होता है, और ऐसा क्यों? क्या वो खाना डायरेक्टली जैसे ही वो अंदर लेते हैं नीचे पहुंच जाता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, और ये डाइजेशन टाइम हम इसे कहते हैं. नॉर्मली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके एज, सेक्स, आपकी हेल्थ कंडीशन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या गुजर रही है, क्या हो रहा है अंदर उस पर. और नॉर्मली जो खाना हम खाते हैं उसको 2 से 5 दिन लग सकते हैं नीचे तक पहुँच के आपके स्टूल बनने में टेक्निकली. और मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस डाइजेशन प्रोसेस में. फीमेल्स में डाइजेशन मेन के कंपैरिजन में थोड़ा और स्लोअर होता है. सो एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इतना लंबा, 30 फीट लंबा होता है, तो फक से वहां पे तो खाना जाता नहीं, स्लोली स्लोली जाता है. और ये जो हो रहा है बहुत कॉमनली होने वाली चीज़ है. और इस पर्टिकुलर चीज़ की खाना खाते ही आपको मोशन आ रहा है, या खाना खाते ही आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसको बोला जाता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. जी, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. क्या है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स? यानी पॉपिंग ये होना आफ्टर एवरी मील्स. गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक नॉर्मल रिएक्शन है आपके बॉडी का खाना खाने के बाद. और इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका फूड जो है जैसे स्टमक में हिट करता है, स्टमक आपके कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है. ये हॉर्मोन्स आपके नीचे के साइड के जो इंटेस्टाइन और कोलन है, बड़ा वाला इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, खाना आगे धक्का मारो, ताकि जगह बने, सो दैट्स दैट, ताकि और खाना आ सके. सो दैट इज अ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. इफेक्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्स कैन बी माइल्ड समटाइम्स, कि पता ही ना चले आपको कोई, मॉडरेट हो सकता है, और कुछ लोगों में सिवियर हो सकता है. पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और सिवियर रिएक्शन में आपको सीधा सीधा वॉशरूम दौड़ना पड़ जाता है. सो कॉज क्या है इसका? ये एक नेचुरल रिएक्शन है, और कुछ लोगों को ज्यादा इंटेंस महसूस होता है. ऐसे लोग जो ज्यादा इंटेंस महसूस होता है, उनका इंटेस्टाइनल सिस्टम हम सेंसिटिव मान सकते हैं. जैसे कि अगर किसी को IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी हो, उन लोगों में ये ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है. कुछ लोग एंजाइटी के दौरान जब थोड़े घबराए हुए होते हैं, या कुछ लोग जो जिनको किसी फूड की एलर्जी है, अगर वो फूड आपने खा लिया तो, या फिर पेट में छाले हैं, गैस्ट्राइटिस है, तब खा लिया, तब ये रिस्पॉन्स ज्यादा तेज हो सकता है. इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज में भी ये रिस्पॉन्स, जब पूरे इंटेस्टाइन्स में आपके अल्सर्स हैं, तब भी ये रिफ्लेक्स ज्यादा तेज हो सकता है. सीलिएक डिजीज हो, क्रॉन्स डिजीज, मतलब पेट की कोई भी बीमारी हो, और ग्रीसी फूड ले रहे हैं, तब भी रिस्पॉन्स जो है आपका ज्यादा तेज हो सकता है. तो ये सारे कारण होते हैं. अल्टीमेटली सिम्टम्स वाइज कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को सिर्फ रिलीफ होने जाना पड़ता है, कुछ लोगों को बार बार गैस पास करनी पड़ती है, किसी किसी को बहुत ज्यादा रेगुलरली म्यूकस आता है स्टूल में, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. सो ऐसे सारे सिम्टम्स हो सकते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स अगर आपका सिवियर होता जाए तो. नॉर्मली ये सभी में होता है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना है. सडन बॉबल मूवमेंट जो आपका अगर खाना खाने के बाद आ रहा है, तो वो ना तो डायरिया है ना इनकॉन्टिनेंस है. याद रखिए, वो डायरिया नहीं है, वो इनकॉन्टिनेंस नहीं है. डायरिया किसी ना किसी कुछ दिनों तक टिकता है. डायरिया का मतलब होता है मल्टीपल स्टूल्स आपके हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, और पॉसिबली लूज हो रहे हैं. और डायरिया होता है किसी वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, कभी कभी साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, एलर्जीज, कोई बहुत ज़्यादा आपने गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन हो चुका है, या स्टोन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तब होता है. और फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जब आपको एकदम अर्ज हो रही है खाना खाने की, मोशन पास करने की, और एकदम से वो अर्ज के साथ कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा सा मोशन निकल जाता है, उसे फीकल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. लेकिन ये खाना खाने के साथ रिलेशन नहीं होता है. तो फीकल इनकॉन्टिनेंस जो है वो कभी भी हो सकता है. सो वो उसके लिए होता है अगर नीचे के जो एनल रीजन है वहाँ की मसल्स आपकी कमज़ोर हैं, उम्र के साथ या ऑपरेशन के बाद या किसी कारणवश आपकी मसल्स वहाँ की कमज़ोर है, उस वजह से लीकेज हो सकता है, जरा सा स्टूल हो सकता है, थोड़ा सा मोशन निकल जाए, थोड़ा सा गैस निकल जाए, कंट्रोल ना आए, दौड़ के जाना पड़े, इस प्रकार के. तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो होता है वो इनकॉन्टिनेंस गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स दोनों अलग हैं. ऑल्दो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि कुछ लोगों में दोनों एक साथ हो सकते हैं. अल्टीमेटली रेक्टम की आसपास की मसल्स है, या वहाँ की नसें हैं, या वहाँ रेक्टल प्रोलैप्स है, या नीचे का जो लेटरिन के रास्ते हैं वो बाहर निकला हुआ है, या कोई डैमेज हुआ है, या कोई रेक्टोसील है, ऐसे बीमारियों में प्रॉब्लम बढ़ सकती है. तो ट्रीटमेंट क्या है? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का कोई प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको होता है कि एकदम से खा के मोशन आना है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप क्या करो
कि आप इस चीज को नोट करो कि कौन सी चीज खाने पे या कैसी कितना खाना खाने पे दिक्कत हो रहा है, उसका एक पैटर्न, कुछ फूड प्रोडक्ट्स, कुछ इस किस चीज से वो ज्यादा होता है, किस चीज से वो कम होता है, मेक अ फूड डायरी, कॉमन फूड ट्रिगर्स नोट करिए। जैसे कुछ लोगों में ट्रिगर होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही पनीर लस्सी छाछ, कुछ लोगों में हाई फाइबर फूड होल ग्रेन वेजिटेबल्स, कुछ लोगों में ग्रीसी फूड, या कुछ लोगों में फैटी फूड जैसे फ्राइज तला हुआ खाना, कुछ लोगों में स्ट्रेस एक बड़ा ट्रिगर होता है। तो उन चीजों को अवॉइड करें, उस स्ट्रेस को अवॉइड करें, तो आपका प्रॉब्लम जो है कंट्रोल हो जाए, कोलिक रिफ्लेक्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी सारी बीमारियां अगर आपको है उसके लिए आप डॉक्टर से बात करें। फीकल इनकंटिनेंस है, डायरिया है या आईबीएस है, उसके लिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, लाइफस्टाइल ठीक करनी है, उस पर डेडिकेटेड वीडियोस है हमारे, डायरिया पे भी है और आईबीएस पे भी है। उसके लिए हमारे चैनल को सर्च करें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है शेयर करें। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।